कलेक्शंस मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस रोजलिन. एंड सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगी कि लोकेशन, द लोकेशन इज रियली द वे दिस इज सिचुएटेड. इट्स लाइक रियली यू नो अंधेरी के सेंटर में, मिडल में. एंड थोड़ा बहुत मैंने कलेक्शन देखा है, इट्स नाइस, ब्रीजी, कूल, कैजुअल एंड शीक, इफ आई मे से सो. तो अच्छा लग रहा है. एंड आई और मैं दो तीन आउटफिट्स वैसे भी लेके जाने वाली हूँ रोजलिन से आज. क्या तीन चीजें देखती है जब आप किसी भी शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या फिर अपने लिए डिजाइनर क्लोथ्स खरीदने जाते हैं? कंफर्ट, सबसे पहला कंफर्ट होता है. देन सेकेंडली आई थिंक यू नो जैसे कि हम सारे इंडियंस प्राइसिंग जरूर देखते हैं, यू नो व्हाट्स द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर क्लोथ. एंड थर्डली क्वालिटी, आई वुड से कि क्वालिटी वाइज कैसा है वो कपड़ा. राइट. ऑल्सो मैम क्या कहना चाहेंगे, मैं देखा कि एक नई सीरीज भी आई है रफू चक्कर, और आज यहाँ पर है, प्रमोशन भी हो जाएगा. और थैंक यू सो मच रेखा, आई एम रियली हैप्पी कि उसने अपना इतना प्रेशियस टाइम दिया एंड शी इज़ हियर. एंड आई रियली विश यू लव फॉर योर अपकमिंग सीरीज, लाइक यू नो. सो थैंक यू, रियली थैंक्स अ लॉट. एंड शी इज़ लुकिंग गॉर्जियस राइट नाउ. सो आर यू. थैंक यू. लेखा क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, दो एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं. बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत अच्छे कॉमेंट्स मिल रहे हैं. एक्चुअली हमारा जब टीजर भी आया था तो अमिताभ सर ने वो शेयर किया था, करण जौहर सर ने हमारा टीजर एंड ट्रेलर शेयर किया था. एंड यू नो इंडस्ट्री से बहुत प्यार मिला था और हमने कल थोड़े बहुत मीडिया इंटरेक्शंस किए, तो आई एम वेरी हैप्पी. बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है. कल रात को 1 बजे तक यू नो कॉल्स आ रहे थे क्योंकि रात को 12 बजे एपिसोड एयर हुए. तो आई वुड जस्ट लाइक टू से प्लीज़ गो वॉच रफू चक्कर. दो एपिसोड्स ऑलरेडी आउट हो चुके, तीसरा एपिसोड कल आएगा. एंड कॉन मैन के ऊपर वेब सीरीज़ है, मैं हूँ, मनीष पॉल है, प्रिया बापत है, सुशांत सर है, सो रितम श्रीवास्तव इज डायरेक्टर इट एंड इट्स आउट ऑन जियो स्टूडियोज. तो प्लीज़ जाइए देखिए, एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर वेब सीरीज. ओके लास्टली रोजलिन जी के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी आपके साइड से और क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? गुड विशेज. आई वुड से आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट हर फर्स्टली यू नो टेकिंग दिस स्टेप. अपना खुद का स्टोर खोलना इतना आसान नहीं होता पहली बात, वो भी यू नो 2023 में. एंड आई रियली लाइक द कलेक्शन एंड मैं 110% यू नो आई एम गोइंग टू सपोर्ट इट. एंड कभी कोई रेड कार्पेट इवेंट होगा या यू नो कोई भी इवेंट होगा या ऐसे ही कैंडिडली ऑल्सो यू नो आई वुड लाइक टू source something from your store. Sure, sure. Yeah. Also, Rafu Chakkar ka agar success party hota hai, can we see you walking her? मैं पूरी कोशिश करूंगी 110% एंड प्लीज आप लोग सक्सेसफुल बनाइए उस वेब सीरीज. नहीं कोशिश नहीं करेंगे, मेरी डिजाइन पहनेंगे. अभी तो मैम ने बोल दिया पहनना पड़ेगा. या या शी इज गोइंग टू वेयर माय डिजाइन ओनली. जी थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Roop is fine. So Rosin ji, let me start. You just take it out. Okay. Is rolling? Yeah. Roll. So Rosin ji, you have a very special guest today. Roop is here with us. You would like to introduce Roop to all of us? Yeah, sure. She's my good friend and she's here to just encourage me whatever work I'm doing. So really good for me. Thank you so much. You have given me your precious time to me and you are here. That's really very good and very great for me. And I'm really thanks for this. Thank you so much for having me here. It's really nice seeing her collection. It's very interesting. And I was just telling her how I would like to, you know, see myself in her collection. I found her dresses very innovative, very nice designs, very summery. So yeah, I've come here to encourage her. And of course, my best wishes are with her. I hope to wear more of your designs in yes, future. Yes, sure. I'd love to. You should wear whenever you want any sourcing, you are going any occasions or something. Please let me know. We'll be there for you. We'll design accordingly, whatever you want. Absolutely. And I'm really, really glad I will do that. Thank you so much. Thank you. Any specific design or collection you have in your mind that you would like Rosin to make it for you? With my web series, slated to release this year, many of them. I'm going to have several parties, launches happening, and I would definitely like to wear Rosalind's collection as well in some of them. So I think I have some dresses in my mind which I have already told her about. So yeah, we'll wear them very soon. Thank you. Rosalind, looking at her personality, do you feel ki kuch khas
बना हो इनके लिए जो यहाँ पे आप उनको दे सकते हैं? Yeah, now you can tell me. The I think everything she can wear. See, personality is what is like, you know, fashion is what you have to be comfortable whatever you are wearing, and she is comfortable. She is like, you know, you can see her the way she what she is wearing, and she is comfortable. And if, of course, whatever design is there, she can carry. And something special she want, so definitely we are going to design for her. So yeah, I can think whatever is there, she can wear. She can carry so well. उससे कहीं ज्यादा उसके बाद आप फिर जो अपने वर्ल्ड में आते हैं तो आप लाइट कपड़े पहनने पसंद करते हैं, हल्के कपड़ा पहनने पसंद करते हैं. आप यहाँ अंदर आए तो आपकी नजर सबसे पहले कहाँ गई, भारी कपड़ों पे या हल्के कपड़ों पे? क्या कहाँ पे अंदर आते ही यहाँ पर? हाँ, तो किस तरह के कपड़ों पे आपकी नजर गई सबसे पहले? मुझे पर्सनली लाइट वेट कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज मुझे कम्फर्ट ज़्यादा पसंद है लाइफ में. एंड इफ़ आई एम एबल टू मूव फ्रीली इन वट एवर आई एम वेयरिंग, देन आई एम हैप्पी. सो यस, हैवी जो कपड़े होते हैं उनकी एक अलग रिक्वायरमेंट होती है कि कहाँ पे उन्हें पहनना है. सो उनकी भी अपनी वैल्यू है. लेकिन सबसे पहले जो आपने पूछा, सबसे पहले नजर कहाँ पे गई, तो वो उस वाइट ड्रेस पे गई, दैट नेटेड ड्रेस, बिकॉज इट लुक्स वेरी समरी, ब्रीजी, वेरी इजी टू कैरी एंड वेरी कंफर्टेबल. सो या, कंफर्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी. अब ऑफकोर्स मुझे लगता है कि एवरी डिज़ाइनर, एवरी आर्टिस्ट इज डिफरेंट, बिकॉज देयर इंडिविजुअल सेंस ऑफ डिज़ाइन is what reflects in the, you know, जो output है उसमें अपना uniqueness दिखती है. तो I don't think it's right to compare anyone. And Rosalind has her own idea of fashion, of designs, her cuts. I think she has a very specific sense of cuts, which I noticed in some of her outfits. So those cuts I really found interesting. So her collection is definitely different, and I hope that bahut acha jaye collection and we collaborate on many events for her outfits. Thank you. Sure. Thank you. Thank you so much. Kai events aayenge, kai sare cheeze abhi upcoming aane wale, so kuch gift wagera bhi hum dekhenge, kuch dresses aapki taraf se. Of course, yes, that's we samne abhi wahi bola ki of course mere jo bhi dress honge और जैसा इनको डिज़ाइन चाहिए उनके हिसाब से, डेफिनेटली विल डू, एंड आई लव टू डू दैट. थैंक यू. वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ गेस्ट हु आर गोइंग टू कम टुडे, यू नो, आर यू एक्साइटेड टू मीट ऑल ऑफ देम? या आर यू नर्वस? व्हाट एक्जेक्टली? बोथ. आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस बोथ, बट आई एम ओके राइट नाउ. नो नीड टू बी नर्वस, जस्ट बी एक्साइटेड. इट्स गोइंग टू बी ग्रेट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. थैंक यू. बारे में और थोड़ा सा बताइए, यहाँ के कलेक्शंस कैसे लगे आपको और कितना रुचि रखते हैं सर कपड़ों के कलेक्शंस में? डेफिनेटली सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत हेलो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रोजलिन फॉर ओपनिंग दिस वंडरफुल बुटीक. एंड हम लोगों ने कलेक्शंस देखे यहाँ पे, बहुत वंडरफुल कलेक्शंस फॉर मेन एंड फॉर वेमेन, प्राइमरली फॉर वेमेन राइट नाउ, लेकिन फिर मेन का भी अच्छा कलेक्शन है और फेस्टिवल सीजन में और होगा. तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड ऑल द बेस्ट. एंड सो यू आर द डिजाइनर ऑल्सो एंड स्टाइलिस्ट एज वेल. सो आई विश रोजलिन ऑल द बेस्ट और दुआ है कि बहुत चले. शिल्पा जी, आप भी कुछ? हाँ जी, बिल्कुल भी हैं और बहुत अच्छी स्टाइलिस्ट हैं, बहुत अच्छा डिज़ाइन करती हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि इनका ये स्टोर अंधेरी में फाइनली आ गया है. एंड विश हर गुड लक और बहुत अच्छा चलेगा. एंड आई नो शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. और इनके कलेक्शंस के बारे में क्या कहूँ, बिकॉज अभी मैंने एक इनके साथ एक काम किया, एक एल्बम किया हुआ है, तो उसमें सारे ड्रेसेस इनके हैं एंड सॉन्ग इज का दे तो लगदा. सो दिस इज़ वेरी नाइस सॉन्ग और इन्होंने पूरा डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने, और वो हमारे साथ भी थे. मतलब शी इज़ वेरी ग्राउंडेड
और आई नो कि उनकी कलेक्शंस बहुत अच्छे, मैं हमेशा इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नए ड्रेसेस कलेक्शंस, सो डिफरेंट. सो आई नो कि बहुत अच्छा काम करेंगे आप. कांग्रेचुलेशन. मैम आप क्या कहना चाहेंगे, जो गेस्ट है बहुत अप्रिशिएट करे कलेक्शन को, और जैसे सर ने पॉइंट आउट किया कि क्या मेंस के लिए भी कोई कलेक्शन यहाँ पे है या फिर आप लॉन्च करने के लिए कोई? नहीं, एक्चुअली है मेंस के लिए कलेक्शन. हमने भी न्यू शर्ट्स वगैरह जो पार्टी वेयर्स होती हैं, कैजुअल्स होती हैं, मैंने बनाई हैं, और बहुत जल्दी जैसे फेस्टिव आने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर गाइज प्रॉपर कलेक्शन. एंड आई रियली वांट टू थैंक्स टू लाइक यू नो सर एंड शिल्पा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड लाइक यू नो गिविंग योर टाइम एंड अप्रिशिएटिंग माई वर्क. थैंक यू, रियली थैंक्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी. सबसे पहले मैं ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ. मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ क्योंकि मैं बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि ये मेरी आई थिंक फ्रेंड कम सिस्टर ज़्यादा है, तो हमने बहुत सारा काम साथ में किया है. जब इन्होंने स्टार्टिंग की थी तो आई थिंक पहला शूट मेरा ही किया था, राइट? सो या मैं बहुत खुश हूँ. सर आप क्या कहना चाहेंगे? आई विश यू लक. बहुत अच्छा आपका ब्रांड बहुत बड़ा बने. एंड मैं एक ही बार इनसे कनेक्ट किया था रिगार्डिंग सम शूट, और होपफुली वो किसी चीज़ के कारण हो नहीं पाया था, बट आई विश यू लक एंड आई होप टू वर्क विद यू सून. Also, बहुत सारे कलेक्शंस हैं, आपने देखे हो, अगर कुछ शेयर करना चाहे यहाँ के कलेक्शन के बारे में, क्या क्या स्पेशलिटी है और क्या देखा आपने यहाँ पे? मैंने तो फिलहाल मैं तो देखती रहती हूँ, मैंने तो पहन के शूट भी किया है. मुझे तो पर्सनली इनके जो कपड़े हैं, क्लॉथ है, बहुत अच्छे लगते हैं, और इनका जो फैब्रिक है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही कंफर्टेबल है. तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि आओ विज़िट करो और बाय करो, और इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है, वहाँ भी जाओ विज़िट करो, बाय करो. या एग्जैक्टली. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. टीआरपी में बहुत अच्छा करा था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था. तो अगर कोई सेकंड सीजन के लिए क्या प्लान्स है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे आपको? बोलिए. पहला सीजन एज वी ऑल नो बहुत बिग था, बहुत मज़ा आया. उसके बाद हम लोग सब अपनी अपनी जर्नी के लिए निकल गए. जैसे इसके बाद आई वॉज डूइंग अदर शोज फॉर स्टार, एंड नाउ अगेन आई वॉज डूइंग अ शो फॉर कलर्स कॉल्ड जुनूनियत. तो अभी छोटी सरदारनी, आई होप फॉर द बेस्ट नया सीज़न आए जिसमें हम सब दोबारा फिर से इकट्ठे हों और आप सबको दोबारा से एंटरटेन करें. मैं भी एक काफ़ी ग्लैमरस इंडस्ट्री से जुड़ा रहा. आई वाज डायरेक्टर एंड बोर्ड मेंबर एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस. तो मैं इनको सिर्फ शुभकामनाएँ देने आया हूँ. ऑल द वे आई लिव इन साउथ मुंबई, दैट आई हैव सीन आर डिजाइनर्स क्लोथ एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट हर फर्स्ट दैट शी हैज ओपन ए ब्यूटिफुल शोरूम in this very you know prominent location here, because all the celebrities are staying in this area only. And I have seen her clothing, they are very reasonably priced. I was amazed to see, because designer clothes, if you go there, are very, you know, high prices normally, but I find it's covering right from 4,000 till, you know, maybe 8,000-10,000, which is very reasonable, and anybody would like to wear a very reasonable price. And designer's clothes is not available otherwise in the market. And we have been also, have been, you know, in associating with so many other designers also, because we were trying to have the best of aerospace and, you know, our purses, dresses. So they were big designers, so we like to also involve her in our one of the activities of having, you know, clothes designed from her only. And take some sample, it will help us to grace in the aircraft, our aerospace, and so we'll introduce her there at Air India also, definitely. Thank you. And all my best wishes and to you for your stores. Thank you, sir. And I'm sure you will do well. Thank you so much. Yeah, thank you very much, and congratulations.